गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिन चीजों की खरीदी की जाती है वह 13 गुना और बढ़ जाती है। इस दिन झाड़ू खरीदने की पौराणिक परंपरा है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर घर में नई झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन मंगलवार है और मंगलवार और शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। घर में कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। झाड़ू हमारे जीवन से, हमारे घर से दारिद्रता को दूर करती है और साथ ही साथ झाड़ू को माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के इस उत्कृष्ट दिन पर हमें झाड़ू का पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता के मुताबिक झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्ति का सर्वनाश करने वाला बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर में दरिद्रता हटाती है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस पर घर में नई झाड़ू लेकर के आना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे रूठकर नहीं जाती है, घर में ही वास करती है, घर में ही स्थिर रहती है। इस दिन लोग झाड़ू खरीदकर अपने घर में रखते हैं और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और उनका पूजन करते हैं। झाड़ू से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के उत्कृष्ट दिन पर आपको 2 झाड़ू लेकर के आना है। ध्यान रखें दोनों झाड़ू प्लास्टिक के नहीं होना चाहिए। जो उसका हैंडल है वो प्लास्टिक का हो तो चलेगा, लेकिन झाड़ू घास की ही होना चाहिए। आपको 2 झाड़ू लेकर के आना है और उनका पूजन करना है। झाड़ू को पूजन करने के लिए आपको संध्या काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको पूजन करना है। आपको एक लाल वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर आपको ये दोनों झाड़ू रख देना है। आप धनतेरस पर माता रानी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी पूजा विधि करते हैं, साथ ही साथ आपको ये झाड़ू का भी पूजन करना चाहिए। आप जो भी झाड़ू लेकर के आए हैं, अब आपको क्या करना है, एक पुष्प लेना है और उसे गंगा जल में डुबोकना है। साधारण जल भी चलेगा। अब आपको उस पुष्प से उन झाड़ूओं पर आपको छिड़काव करना है, उन्हें पवित्र करना है। कुछ भी गंदगी लगी हो वो शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। आपको झाड़ू को लाल कपड़े पर लेटा करके रख देना चाहिए और दोनों झाड़ुओं पर आपको कलावा बांधना चाहिए। ध्यान रखें उसके बाद आपको कुमकुम से टीकी करनी है और दोनों झाड़ुओं को टीकी करनी है और हल्दी से भी आपको टीकी करनी है। माता लक्ष्मी का रूप मान करके आपको इनकी पूजा करनी है। अब आपको थोड़े से अक्षत इनके ऊपर छिड़क देना है। अब आप ध्यान रखें आज के दिन पीले पुष्प आप इन झाड़ुओं को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी का रूप मान करके आपको झाड़ुओं को पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। अब आपको 3 पताशों का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास पताशे नहीं है तो कोई अन्य मिष्ठान का भी आप भोग लगा सकते हैं। आपको साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित करना है और इन दोनों झाड़ुओं की आरती करना है। आरती करते समय आपको ओम श्रीम नमः का 3 बार जाप करना है और साथ ही साथ झाड़ू के पास बैठ करके, उनके सामने बैठ करके आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। जो भी माता लक्ष्मी के मंत्र आते हैं आपको झाड़ू के सामने कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। इस प्रकार आपको झाड़ू का पूजन करना चाहिए। ये झाड़ू का पूजन आप दीपावली के दिन भी हूबहू कर सकते हैं। ध्यान रखें नए साल में या भाई दूज के बाद आप इस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके घर के लिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।